ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक आपका सृजनात्मकता का विकास। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। तो आज हम बात करेंगे कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास, यानी कि जो बालकों में सृजनात्मकता का विकास की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। सृजनात्मकता क्या है कि कोई भी कार्य को करने के लिए उसको रचनात्मक ढंग से करना, ठीक है, नए नए जो हैं उसके लिए विचार जो उनके अंदर आते हैं तो वो सृजनात्मकता कहलाते हैं। तो जो सृजनात्मकता का विकास है वो बालकों में बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बल्कि जो एक आयु कही जाती है सृजनात्मकता के विकास की वो आयु बाल्यावस्था ही होती है और पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में बालक जो हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के वातावरण को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ नए शोध है, रिसर्च है, उनको जानने का करने का प्रयास करते हैं। अरस्तु के अनुसार बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में सृजनात्मकता का विकास इस प्रकार से होता है, यानी कि अरस्तु ने यह कहा था कि बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं उनमें अलग अलग तरीके से सृजनात्मकता का विकास होता है। प्रथम क्रांतिक अवस्था उन्होंने बताई कि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि पूर्व विद्यालय अवस्था जिसे बोलते हैं, और वहाँ से गुरुजनों की आज्ञा मानने, विद्यालय के नियमों का पालन करने आदि की शिक्षा भी वो प्राप्त करते हैं, और इसके साथ ही उसे घर के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। यदि बालक पर परिवार और विद्यालय का अधिक नियंत्रण रहता है तो उसकी सृजनात्मकता अवरुद्ध और दमित हो जाती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बाल्य पूर्व बाल्य विद्यालय अवस्था है, यानी कि जब स्कूल गोइंग एज भी क्योंकि इसको कहा जाता है बाल्यावस्था को, तो जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर वो कई तरह के जैसे नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, बहुत सारे संस्कार सीखते हैं, बहुत सारे जो हैं कौशल सीखते हैं और अनुशासन सीखते हैं, जैसे कि गुरुजनों का आज्ञा मानना, विद्यालय में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, ठीक है, और आदि के मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। साथ ही उन पर कुछ नियम भी होते हैं परिवार के, घर के और कुछ विद्यालय के, लेकिन अगर वो जो नियम हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब बालकों पर अगर उनको ज़्यादा नियंत्रण में रहता है, यानी कि कहा जाए कि एक तो होता है कि बालकों को, देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा बच्चों, कि बालकों को सीखने के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, यानी कि एक तरह से अगर हम नर्सरी स्कूल एजुकेशन की बात करें या पूर्व विद्यालय अवस्था में शिक्षा की बात करें तो बालकों को स्वतंत्र रूप से सिखाना या सीखना, ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य होता है नर्सरी स्कूल एजुकेशन का। तो अगर बालकों पे ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, ज़्यादा उनको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी सृजनात्मकता अवरुद्ध और दमित हो जाती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि घर पे भी बालकों को हर बात में रोक टोक करते हैं, बालक कुछ अपने टॉय को लेकर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, कुछ इनोवेशन करना चाहता है, कुछ अपना जो है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स करना चाहता है, कलर से कुछ बनाना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि घर वाले उसको, जो परिवार के सदस्य हैं जैसे माता हैं या पिता है या कोई भी बड़ा है, तो उसको टोक देता है कि नहीं ये मत करो, ये टूट जाएगा, नहीं ऐसा मत करो, रंग फैल जाएगा, नहीं ये गंदा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि बालकों पर जब अधिक से अधिक नियंत्रण रखा जाता है तो वो अपने को एक्सप्रेस, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको वो कैसे वो उसको उजागर करेगा, ऐसे में जो उसकी कार्य करने की जो उसका एक तरह से जो उसकी इच्छा होती है या उसका जो एक तरह से जो उसकी लगन होती है वो उसकी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। द्वितीय क्रांतिक अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बालक विभिन्न साथियों के समूह का सदस्य बनने में अधिक रुचि लेने लगता है, यानी कि दूसरी जो अवस्था आती है उसमें बच्चा ग्रुप में खेलना, समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है, और जितना अधिक अपना साथी समूह व्यवहार प्रतिमान से अनुरूपता स्थापित करता है उतना ही अधिक साथी समूह से सम्मान प्राप्त होता है, यानी कि बालक ग्रुप में खेलना, समूह में खेलना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, ठीक है, और साथ ही समूह में रहकर वो बहुत से कुछ चीज़ों को भी सीखता है। ऐसी बात नहीं है, देखिए दो पहलू होते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा भी सीखता है, कुछ गलत भी सीखता है, लेकिन समूह में रह के बालक काफ़ी हद तक, एक तो उसका भाषा का विकास ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, समूह में रहकर
साथ ही उसमें सामाजिक विकास की जो सामाजिक जो विकास है वो उसका तेजी से होता है। और यदि इस अवस्था से ही बालक का संतुलन बना रहता है तो उसकी सृजनात्मकता का विकास सामान्य रूप से चलता रहता है। यानी कि अक्सर देखा गया है कि जो बालक इंडिविजुअल रहकर या अकेला रहकर सीखता है उससे कहीं ज़्यादा गुना वो समूह में रहकर सीखता है, कई सारे बच्चों के साथ रहकर सीखता है। ठीक है, तो ऐसे में भी अगर बच्चे को खेलने के लिए समूह साथी मिले तो ऐसे में बच्चों की क्रिएटिविटी का जो डेवलप है, क्रिएटिविटी है जो वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। तृतीय क्रांतिक अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बालक अपने साथियों के अनुमोदन की चाहना करने लगता है, विशेष रूप से विपरीत लिंग के व्यक्तियों का अनुमोदन चाहता है। किंतु यदि वह अनुमोदन प्राप्त करने में लगा रहता है तो उसकी सृजनात्मकता का विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। देखिए, एक स्वाभाविक सी क्रिया होती है कि तृतीय क्रांतिक अवस्था में कि जैसे कि विपरीत लिंग, जैसे कि अभी आपने द्वितीय क्रांतिक अवस्था में पढ़ा था कि बच्चा अपने समायु के साथ, अपने समूह के साथी के साथ, अपने हम उम्र के साथियों के साथ, जैसे कि बालक बालकों के साथ ही खेलेगा, बालिका बालिकाओं के साथ। लेकिन जो तृतीय क्रांतिक अवस्था होती है उसमें विपरीत लिंग के व्यक्तियों से वो अपना अप्रिसिएशन चाहता है, यानी कि वो मेरी प्रशंसा करें, मुझे अप्रिशिएट करें। ठीक है, और साथ ही अगर वो अवस्था है कि अगर बालक जो है इस तरह के वो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस रखता है, उम्मीद रखता है कि दूसरा बंदा मेरी तारीफ़ करे, मेरा अनुमोदन करे, मेरे साथ जो है मेरे जैसा मैं कार्य करता हूँ वैसे ही करे, तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी सृजनात्मकता का विकास जो है वो उचित रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि कई हद तक वो केवल इन्हीं कार्यों में लगा रहता है कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ। जैसे बालक हैं, वो किशोर जो होते हैं, जो इस अवस्था में आके वो चाहते हैं कि किशोरियों से उनका वो अप्रिशिएशन मिले। ठीक है, या किशोरी चाहती हैं कि किशोरियाँ चाहती हैं कि किशोर से, तो ऐसे में क्या होता है उनका ट्रैक जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो उनका चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो उनकी सृजनात्मकता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। चतुर्थ क्रांतिक अवस्था, इस अवस्था में किशोर बालक दूसरों के अनुमोदन एवं स्वीकृति के लिए ही प्रयास नहीं करता, बल्कि वह व्यवसाय और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी प्रयासरत रहता है। चतुर्थ क्रांतिक अवस्था बच्चों, एक तरह से कहा जाए तो किशोरावस्था की समाप्ति की अवस्था भी होती है, किशोरावस्था की अवस्था भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो किशोर होते हैं वो अभी हमने पढ़ा ना इससे पहली अवस्था में कि दूसरों का अनुमोदन तो चाहता ही है, साथ ही वो अपने सेटलमेंट के बारे में सोचता है, अपने व्यवसाय अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी वो प्रयासरत रहता है, और कुछ नया इनोवेशन, कुछ नया खोजना, कुछ नई चीज़ों को सीखना, ठीक है ना, कुछ नया कार्यों के बारे में सोचना ताकि उसको एक अपना प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो अपने एक व्यवसाय चुन सके, अपने लिए करियर को चुन सके। तो ऐसे में यदि उसे अधिक नियंत्रण और नियम में रहना पड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी सृजनात्मकता का दमन होता है। देखिए, यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर किशोरावस्था में भी बालकों पर कहीं कहीं देखा गया है कि किशोर, जैसे कि टीन एज में आने पर, किशोरावस्था में आने पर लड़कियों और लड़कियों पर बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। चलिए, लड़कियों के ऊपर तो पाबंदियाँ सही हैं, थोड़ा उनको जो है सीमा में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किशोरों की बात करें तो उन पर भी कुछ ऐसे नियंत्रण लगा दिए जाते हैं, नियम लगा दिए जाते हैं, जिससे वो जो है अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, जो उनके अंदर करने की लगन है, जो वो कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जिससे उनको आगे चलकर एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सकता है, एक नया अपना व्यक्तित्व मिल सकता है, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि अरे सब बेकार है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनके मन में इस तरह की भावना आने लगती है। अनेक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि सृजनात्मकता का विकास 20 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था में जो है, अभी मैंने बात की कि किशोर जो है वो अपने लिए कुछ नए प्लेटफॉर्म की चाह रखते हैं, एक नया उनको कुछ मिल जाए ऐसा कि जो वो अपना व्यवसाय या व्यावसायिक प्रशिक्षण का चुनाव कर सकें, साथ ही इसके बाद वह या तो स्थिर हो जाते हैं या उसमें अवनति होने लगती है। देखिए, दोनों ही बात होती हैं कि अगर उनको मौके मिल जाते हैं, अगर उनको अपने अवसर प्रदान हो जाते हैं अपने लिए, अपने करियर को चुनने के लिए, तो ऐसे में वो प्रगति कर पाते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, नहीं तो वो अवनति की ओर, यानी कि डिक्री उनका जो है, जैसे कहते हैं कि वो पीछे की तरफ, वो बैक
जैसे होता है, जैसे कि एक तरफ तो आगे की ओर बढ़ना, प्रोग्रेस करना, और एक तरफ अवनति की ओर बढ़ना। इसके संबंध में लेहीमैन का विचार है कि 20 वर्ष की आयु से ही पहले भी सृजनात्मकता चरम सीमा पर वातावरण के कारणों से पहुंच सकती है। यानी कि अगर बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए कि वो अपने जो है अपने मन मुताबिक कार्य कर सकें, अपने जो है अपने हुनर को, अपने टैलेंट को वो जो है दृष्टिगोचर कर सकें। टॉरेंस ने अपने अध्ययनों में देखा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक सृजनात्मकता होती है और बाल्यावस्था में यह अंतर अधिक होता है। बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा प्रोत्साहन अधिक मिलता है। यह भी सच बात है कि बच्चों के लड़कों को परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कहीं आधुनिक युग में भी आजकल भी कि जहाँ लड़के और लड़कियों में कोई समानता नहीं है, ठीक, कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है, लड़कियाँ भी लड़कियों लड़कों की भांति ही बढ़ चढ़कर हर कार्य में हिस्सा ले रही हैं, राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो रही हैं, लेकिन कहीं भी आज भी बालकों को लड़कों को प्रोत्साहन ज़्यादा प्राप्त होता है। बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। ये भी फैक्ट है कि जो संपन्न परिवार होते हैं वहाँ की अपेक्षा छोटे परिवारों में बच्चों को ज़्यादा जो है अनकरेज किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उन पर प्रतिबंध और नियंत्रण कम से कम होता है। इसमैन हरिन स्प्रेंट्री ने 1969-70 में अपने अध्ययन में देखा कि जिन बच्चों की क्रम संख्या अंतिम या मध्य होती है उनमें सृजनात्मकता अधिक होती है और अन्य सामाजिक स्तर वाले बालकों में अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती है। ऐसे ही अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग अध्ययन करके यही पाया कि बच्चों की जो सृजनात्मकता, बालक और बालिकाओं की सृजनात्मकता में क्या अंतर होता है, वो स्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग। तो आज हमने बात की गर्ल्स की बालकों में सृजनात्मकता का विकास किस तरह से होता है। ओके, मैं गर्ल्स मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।